हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिंकू नायक इंफॉर्मेशन ब्लॉग्स एंड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू ऑल दैट। एंड टुडे ए नोटिस हैज़ कैम ऑन बिहाफ ऑफ SSB डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, दैट इज रिगार्डिंग SSB लेक्चर। SSB लेक्चर का जो एडवर्टाइजमेंट निकला था 11 तारीख से, जिसका ऑनलाइन शुरू हो गया है, उसके लिए सिलेबस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, और आपका जो फी जनरेशन और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन उसके रिगार्डिंग भी कुछ इंफॉर्मेशन है। तो चलिए, आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उसी चीज़ के लिए, मैं पढ़ के आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ और आपको बता दे रहा हूँ कि क्या है। सिलेबस रिमेन अनचेंज्ड बोल रहा है, दैट मीन्स पहले से SSB लेक्चरर का जो ओल्ड सिलेबस था वो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस शैल बी अपलोडेड शॉर्टली, ये सिलेबस अपलोड नहीं हुआ था और इस सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। शॉर्टली बोला है, दैट मीन्स हो जाएगा इन दिस वीक द सिलेबस विल बी अपलोडेड। ओके, ये था फर्स्ट पैराग्राफ का इन्फॉर्मेशन। सेकेंडली ये था इन्फॉर्मेशन कि फर्दर व्हाइल डिपॉजिटिंग एप्लीकेशन फ़ी, जो हम एप्लीकेशन फ़ी पे करते हैं, जितना भी SSB ने फिक्स किया, आई थिंक 500 समथिंग फिक्स किया है, तो इस सब के लिए उतना नहीं है, 200 समथिंग जो कैटेगरीज है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ये सारे हैं, जो भी है फी पेमेंट, उसके रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन है कि SB कलेक्ट पेज स्पेशली करेक्ट एप्लीकेशन ID, दैट मीन्स आपको एप्लीकेशन ID वहाँ पे करेक्टली देना है, क्योंकि वहाँ पे नाम देके या फिर अपनी कोई भी आइडेंटिटी कार्ड देके वहाँ पे पेमेंट नहीं हो रहा है। आपकी जो फॉर्म डालते हो, आप एप्लीकेशन ID देते हो, उसके रिगार्डिंग होता है, और जो फी डिडक्ट होता है वो SBI कलेक्ट कर रहा है, और कैंडिडेट को 24 आवर वेट करना है, जब सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा तो आपका वहाँ पे तुरंत पेमेंट नहीं दिखाएगा। इसके लिए पैनिक मत होइएगा, पिछली बार भी SSB PGT में भी ऐसे ही हुआ था कि आप जो सक्सेसफुल पेमेंट होने के बाद 24 आवर के बाद आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो, इसके लिए आप वरी मत होइएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, एप्लीकेंट हु डजंट पोजेस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, तीसरी बात यह है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं लाए हो, लेकिन वो उसके रिगार्डिंग एक इक्विवेलेंस सब्जेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एजुकेशन में नहीं किया है, लेकिन एजुकेशन लेक्चरर के लिए वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके इक्विवेलेंट MET है, MED, तो ये वाला सर्टिफिकेट वो प्रोवाइड करके फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक। उसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स का भी जो है वो करके डाल सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपको फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि पहली बात ये है कि जो सिलेबस है वो अनचेंज है, और बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, लाइब्रेरी का सिलेबस जो है वो अपलोड होने वाला है। दूसरी बात यह है कि आप अपनी एप्लीकेशन ID डाल के फी पेमेंट कर सकते हो, जो कि पेमेंट करते टाइम आप अच्छे से पेमेंट कीजिएगा, ताकि सक्सेसफुल अगर नहीं होगा तो वो एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं कर पाएंगे। और तीसरी बात यह है कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, अगर PG डिग्री अगर नहीं है, MA हो या MSc हो, डिग्री अगर नहीं है, तो दे आर रिक्वेस्टेड टू, जो भी सब्जेक्ट में आप SSB लेक्चरर के लिए डाल रहे हो, अगर नहीं है तो उसका इक्विवेलेंट देना आपको, दे के आप एग्जाम अपीयर कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था, MA एजुकेशन की बदले आप MET का भी डिग्री डाल सकते हो। ओके, तो इस तरीके से दूसरे भी कोई भी सब्जेक्ट होगा, आप उसको देके इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट देके फॉर्म डाल सकते हो। ओके डियर फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। इसके लिए प्लीज, इफ़ दिस इंफॉर्मेशन इज वैल्यूएबल और एप्लीकेबल और एनी यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज डू लाइक माई चैनल, एंड इफ़ यू आर न्यू फॉर माई चैनल टू डू सब्सक्राइब फॉर गेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, प्लीज। ओके, थैंक यू एवरीवन।